अगर आप असैसिन क्रीड गेम के फैन हैं तो मैं आपको याद दूं असैसिन क्रीड ने अपना नया गेम असैसिन क्रीड ओडीएस के अनाउंसमेंट कर दिया है। ये गेम आपको जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप इस गेम को स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ये गेम अपने पीसी में चला सकते हैं और आपको इस गेम में कितने एफपीएस मिलेंगे तो ये वीडियो देखते रहेंगे। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर बात करें असैसिन क्रीड गेम की तो ये गेम आपको जल्दी मार्केट में मिल जाएगा, यानी कि ये गेम आपको 5 अक्टूबर 2018 को स्टीम पर अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे पीसी के लिए खरीद सकते हैं। अगर बात करें इस गेम की स्पेसिफिकेशंस की तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 720 पिक्सल्स की, यानी कि अगर आप इसे HD में चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे। अगर हम HD की बात करें तो इसमें HD में यानी 720 पिक्सल में चलाने के लिए आपको i5 प्रोसेसर जो कम से कम सेकंड जनरेशन हो, साथ ही आपको इसमें 8 GB रैम और GTX 660 का 2 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्पेसिफिकेशन है तो आप इस गेम को 720 पिक्सल में आसानी से चला सकते हैं। आपको इसमें 30 FPS तक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे और ज़्यादा यानी कि आप इसे 1080p ग्राफिक में चलाना चाहते हैं, यानी कि 1080p पिक्सल्स में चलाना चाहते हैं, तो इस गेम को आप चलाने के लिए आपको इस आपके कंप्यूटर में i7 का 3rd generation CPU होना चाहिए और 8 GB रैम। अगर हम बात करें आपको ग्राफिक कार्ड की, यानी कि आपको 30 FPS के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, अगर आप इस गेम में 30 FPS लेना चाहते हैं 1080 पिक्सल्स के साथ तो आपको इसमें चाहिए होगा GTX 970 ग्राफिक कार्ड 4 GB का। अगर आप बात करें आप इस गेम को 4K में खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे। अगर आप इस गेम को 4K क्वालिटी में खेलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए i7 का 7th generation CPU, 16 GB रैम और 1080p GTX का 1080p ग्राफिक कार्ड, GTX 1080 ग्राफिक कार्ड। अगर आपके पास ये स्पेसिफिकेशन है तो आप इस गेम को 4K क्वालिटी में चला सकते हैं। अब बात करें स्टोरेज की कि आपको इन तीनों में स्टोरेज कितने GB चाहिए होगी। अब बात करें तो स्टोरेज की, इसमें आपको 46 GB अवेलेबल स्टोरेज चाहिए होगी अगर आप इस गेम को अपने पीसी में चलाना चाहते हैं। तो इन तीनों ही में चाहिए 720, 1080 या फिर 4K में अगर आप इस गेम को चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आपके पीसी में 46 GB अवेलेबल स्टोरेज चाहिए। ये असैसिन क्रीड ODS। जो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि असैसिन क्रीड ODS गेम आपको अपने पीसी में चलाने के लिए आपको किन किन स्पेसिफिकेशन की जरूरत होगी और आपको इसमें कितने ग्राफिक कार्ड के साथ कितने FPS देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।